वैसे थर्ड एसी में पैकिंग कुछ डिफरेंट ही होती है, फर्स्ट एसी का पैकिंग बाप रे बाप अलग ही है भाई। चावल ख़त्म हो गया, भैया को बोला मैंने लेके आने के लिए चावल, लेके आप आ ही रहे हो। ओ भाई साहब क्या स्मोक निकल रहा है भाई, जैसे कि रूट हमारा ट्रेन का डाइवर्टेड है, तो हमारी ट्रेन होके जा रही है अभी वालपड़ा। हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं गुवाहाटी की ओर, अपने घर गुवाहाटी की ओर, और आज हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं राजधानी फर्स्ट एसी में फ्रॉम वाराणसी टू गुवाहाटी। अभी मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, रात का समय हो रहा है ना, मैं सो गया था, जस्ट उठा तो चेक किया मैंने कि ट्रेन पहुंचने वाली है, तो फटाफट चेकआउट किया और दौड़ दौड़ के आया। और फर्स्ट एसी का ये दिक्कत होता है ना कि उसका कुछ आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ होती है, तो अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं। आई होप आगे की तरफ ही हो, कुछ पोजिशन मैंने चेक किया था, अगर पीछे की तरफ होगी तो फिर पीछे जाना पड़ेगा एकदम लास्ट तक। सो इससे पहले हम जर्नी की शुरुआत करें, आप कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। वैसे हम लोग गए थे काशी विश्वनाथ जी, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने, दर्शन बहुत अच्छे से हो गई, एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाबा फिर से जल्दी बुलाए। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द उदेश ब्लॉग्स। तो चला वीडियो शुरू करी। ये देख लो, ये है बनारस का स्टेशन, वाराणसी जंक्शन। वैसे बनारस में दो स्टेशन है, एक बनारस और एक वाराणसी जंक्शन। इसका स्टेशन कोड हो गया BSB। यहाँ पे ट्रेन का अराइवल टाइम था लगभग 11:30 के आसपास, ट्रेन अभी आ रही है लगभग 12:30 के आसपास। Platform number 8-0-0. So guys, ये है हमारी कोच H1 from Kanpur Central to Gorakhpur. So guys, राजधानी के फर्स्ट क्लास AC में आपका स्वागत है। ये है हमारी कोच, ये आज हमें लकीली कूप मिल गया है, एंड हमारी सीट है 12 नंबर। अब पता नहीं यहाँ पे कोई पैसेंजर आएंगे कि नहीं आएंगे, आते हैं तो भी ठीक, नहीं आते तब तो हमारी हो गई पूरी सीट, बट काफ़ी बढ़िया है, सामान वगैरह मैंने रख दिया। वैसे ये जो राजधानी फर्स्ट क्लास के टिकट मैंने कराई है ना, वो एक सरप्राइज़ है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। फर्स्ट मेरा टिकट था आज 10 बजे, जो ट्रेन गई डॉक्टर अम्बेडकर नगर कामाख्या, उसमें हमारी टिकट थी, लेकिन आपका मेक माई ट्रिप वालों को मैंने ट्रिप गारंटी के लिए 700-750 रुपये दिए थे, लेकिन क्या हुआ, वेटिंग लिस्ट 1 रह गया, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। वैसे ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, वो लोग जो क्लेम करते हैं ना कि वो लोग 3 गुना पैसा देंगे, वो उन्होंने दिया एज कैश वाउचर, जिसको आप बुकिंग के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। तो लकीली मैंने दिमाग लगा के उसको राजधानी का टिकट बुक करने में यूज़ किया, वेटिंग लिस्ट 2 चल रहा था, सो मैंने इसको बुक किया उस टिकट के प्राइस को मिला के। सो मुझे ये टिकट लगभग आधा से भी कम में मिल गया। जिस सीट का दाम आज जिस कोच में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ उसका सीट का दाम है लगभग 5,500 और मुझे देने पड़े लगभग 1,800। ये कहानी है, अभी चलिए डिपार्चर दिखाते हैं। सो बाबू विश्वनाथ जी के नगरी से माँ कामाख्या की नगरी तक हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, चलिए बाय बाय करते हैं हमारा प्यारा काशी विश्वनाथ मंदिर को, महादेव जी के नगरी वाराणसी को, एंड चलते हैं अपना माँ कामाख्या का दरबार की तरफ। हर हर महादेव, जल्दी बुलाना बाबा दोबारा, इंतज़ार रहेगा यहाँ आने का। सो ये जो है ऊपर वाली सीट है वो है हमारी, नीचे वाली सीट हमारे को पैसेंजर की है जो बलिया से डेमापुर की तरफ जाएंगे, अब वो जब आएंगे तब देखा जाएगा, फिलहाल हम सो जाते हैं ऊपर की तरफ। और अभी रात के 12 बज रहे हैं, खाना वगैरह कुछ सर्व नहीं किया जाएगा, बिकॉज खाना सर्व करने का टाइम होता है रात के 9-10 बजे के आसपास। सो पहले से ही मैं वाराणसी में कुछ खा लिया था और भूख भी वैसे कुछ खास लगी नहीं है, कल सुबह मेरी आँख खुलेगी जहाँ पे भी, वहाँ से मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। सो गाइस देख लो, फर्स्ट एसी में हमें तौलिया भी मिल चुकी है, वैसे तौलिया जल्दी मिलती नहीं है किसी ट्रेन में, बोलने से आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिली है। और ये है हमारा तकिया और कंबल। सो गाइस टाइम देख लो, सुबह के 8:04 हो रहे हैं, मेरा भाई सोया हुआ था, ये लोग चाय रख के गए थे
मेरा आँख भी नहीं खुला अभी। फिर ब्रेकफास्ट लेके आए हैं, खा लेते हैं उसको। और ये सुबह में ये लोग चाय लोग रख के चले गए थे और मैं सो रहा था यार, इसको पी भी नहीं पाया तो इसको एक साथ पी लूँगा। चलिए इसको फटाफट प्रिपेयर करते हैं, इसको खोल के दिखाता हूँ इसका अंदर क्या है। वैसे कटलेट होगा और कुछ वेजीज होंगे और ये कॉर्नफ्लेक्स भी दिए गए हैं इसमें। सो गाइस एक चाय तो मैंने पी लिया अभी अभी बना के, और एक चाय पी रहा हूँ। सुबह में मैंने पिया नहीं ना, तो इन्होंने एक और कप दे दिया। चलिए बढ़िया, अभी कॉर्नफ्लेक्स मैं बना के रखा हूँ, इसको खा रहा हूँ। सो गाइस ये जो सुबह हमको चाय नाश्ता वगैरह मिला था वो सब तो मैंने ख़त्म कर लिया। इसका साथ साथ हमें मिला है ये कटलेट एंड थोड़ा सा बॉइल्ड वेजीज। वैसे अगर आप नॉन वेज ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको कटलेट की जगह पे एग मिलेगा। देख लो ये है इसका शावर रूम, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे शावर लगा हुआ है, आप नहा सकते हैं। और ये भी है, इससे भी नहा सकते हैं। गर्म पानी ठंडा पानी दोनों का ऑप्शन है। सो गाइस आपको पता ही होगा फर्स्ट एसी का क्या बेनिफिट होता है। यहाँ पे इतना बड़ा वॉकिंग स्पेस होता है, यहाँ पे मस्त खाना खाइए अपने केबिन में बैठ के। और अगर आपको खाना हजम करना है तो 3-4 कदम चल भी लीजिए और एक काम भी कर सकते हैं आप। सो गाइस और एक काम आप कर सकते हैं, चलिए दिखाता हूँ। मस्त इतना खुला स्पेस है ना, वैसे तो मैं इतना एक्सरसाइज करता नहीं हूँ लेकिन लगाते हैं थोड़ा पुशअप। जिम में बहुत पहले किया करते थे। हो गया, 5 बार पुशअप लगाए, हालत टाइट हो गई। तो गाइस सुबह के 9 बजने वाले हैं, ट्रेन हमारी अभी पहुंच रही है कटिहार रेलवे स्टेशन। सो गाइस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीजन में आपका स्वागत है। ट्रेन यहाँ पे पहुँची 1 घंटा के देरी से। रात को ये ट्रेन लगभग 2 घंटा के देरी से चल रही थी जब बनारस में ये ट्रेन आई थी। अभी ये ट्रेन 1 घंटा के देरी से चल रही है। 8:35 पे यहाँ पे इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था, 9:35 में ये ट्रेन यहाँ पे एंटर हुई है। फिलहाल तो जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है। वैसे आपको बता दूँ हमारा जो सुबह का ब्रेकफास्ट था ना वो काफ़ी सही था यार। मतलब 3rd AC में मैंने ब्रेकफास्ट को टेस्ट किया राजधानी का, 2nd AC में टेस्ट किया, लेकिन 1st AC का जो खाना होता है ना वो अलग ही होता है। एटलीस्ट कटलेट्स तो ज़्यादा बेटर थे। चलो भाई तो निकल चुकी है हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, कटिहार का प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। ज़्यादा समय का हॉल्ट नहीं है यार, 10 से 15 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। ट्रेन ट्रैक चेंज कर दिया तो ट्रेन को थोड़ा स्लो करना पड़ता है। वहाँ आगे की तरफ से भी एक ट्रेन आ रही है, कोई ये आपका लगेज वाली ट्रेन है उस ट्रैक से। और हम बढ़ चुके हैं गुवाहाटी की ओर। अभी 11:30 बज रहा है और हमें हमारा सूप सर्व कर दिया गया है। देख लो
वैसे इसको हमें खुद से प्रिपेयर करना होगा। एक बटर है, ये ब्रेड स्टिक्स है नॉर का, ये टमाटो सूप, ये आपका सॉल्ट है, आई गेस हाँ सॉल्ट है। वैसे आपको बता दूँ, आज पहली बार ट्रेन में मैंने शावर भी लिया है। यह सिर्फ राजधानी फर्स्ट क्लास में सर्विस मिलती है। बढ़िया लगा शावर लेके, अभी फ्रेश लग रहा है। सो गाइस देख लो, मैंने अपना सूप को रेडी कर लिया है। अब ये जो ब्रेड स्टिक्स है ना, उसको यहाँ पे बटर में लगाइए, उसे डुबाइए और फिर खाइए। दोस्तों हमने अपना सूप को फिनिश कर लिया है, और आपको बता दूँ सूप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। हमारे को पैसेंजर है, उनसे ज़रा पूछते हैं कि उनको सूप कैसा लगा। सर जी, हाँ ये सूप तो बहुत ही टेस्टी लगा मुझे जी सर। तभी मैं आपको मैंने कहा कि सूप बहुत ही अच्छा लगा। सूप अच्छा था सर। हाँ। और आपका सुबह सर वो आप तो नॉन वेज ट्राई कर रहे हैं, अंडा खाए। हाँ, अंडा तो, और अंडा और ये आपका वेजिस था, तो कैसा था वो? मतलब ठीक था। राजधानी में एक्चुअली खाना जो भी है वो अच्छा ही रहता है। वहाँ इनका स्टाफ भी बढ़िया है, इनका बिहेवियर भी अच्छा है, खाना और उनका सब कुछ ठीक ही है। लगभग यहाँ पे कोई इशू नहीं है। वो तो है भाई, वैसे भी हम लोग फर्स्ट ऐसे भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो वैसा कुछ इशू फेस करने को नहीं मिलता। आराम से सब फर्स्ट क्लास चकाचक सर्विस चल रही है हमारी। थोड़ा देर बाद में लंच भी मिलने वाला है। और जानते हैं फर्स्ट एसी का एक बेनिफिट होता है कि यहाँ का जो खाना होता है ना, वो पेंट्री कार में फ्रेश प्रिपेयर किया जाता है सिर्फ फर्स्ट एसी का पैसेंजर्स के लिए। बाकी जो सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, उनका खाना बाहर से बोर्ड होता है, और आप जितना चाहे उतना मांग सकते हैं। तो गाइस 12:06 हो रहे हैं, ट्रेन हमारी अभी पहुंच चुकी है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। वैसे आधा घंटा पहले इसको आ जाना चाहिए था, 11:25 में यहाँ पे पहुंचने का टाइम है। ट्रेन हमारी पहुंची है 12:06, लगभग 2 घंटा ट्रेन लेट थी, अभी ट्रेन लेट है 37 मिनट्स। गजब का एक्सेलरेशन से ट्रेन आ रही है भाई, लग रहा है कि हाँ राजधानी में ट्रैवल कर रहा हूँ। रुकते रुकाते जो सिलसिला चलता है बाकी ट्रेन में, वैसा नहीं हो रहा। बाकी एनजीपी स्टेशन में बहुत सारे पैसेंजर्स डिबोर्ड किए हैं, बहुत सारे बोर्ड भी कर रहे हैं। और एक चीज़ है, यहाँ पे हमारे ट्रेन मैनेजर एंड लोको पायलट दोनों चेंज होंगे, 10 मिनट का यहाँ पे शेड्यूल्ड हॉल्ट है। सो गाइस हमारा ट्रैक्शन चेंज हो रहा है, हमारा लोकोमोटिव निकाल दिया गया है। WFP 7 जो हमको लेके आई थी इतना दूर तक NGP में, उसको चेंज किया गया है। एंड इसका रूट भी डाइवर्टेड है फ्रॉम न्यू बोंगाईगांव टू कामाख्या। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सो गाइस 12:36 हो रहा है अभी दोपहर के, और ट्रेन हमारी निकल चुकी है NGP रेलवे स्टेशन से। वैसे हमारा ट्रैक्शन चेंज हुआ है, हमारा लोकोमोटिव चेंज किया गया, WDP 4D इसमें लगाया गया है, WFP 7 को हटा के। एंड जब ये ट्रैक्शन चेंज होता है ना, तो जो पावर सप्लाई होती है ना, वो जनरेटर कार से होती है, तो जनरेटर कार भी चालू किया गया। लोकोमोटिव चेंज हुआ, ड्राइवर चेंज हुआ, और कुछ का साफ सफाई हुआ, कुछ में वाटर फिलिंग हुआ, तो इस सब में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जितना मुझे पता है। ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए, जहाँ पे भी मैंने देखा है लोकोमोटिव जब भी चेंज होता है 20-25 मिनट्स लगता ही है। सो ये सब प्रोसेस होने के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है अभी NGP रेलवे स्टेशन से। इसका बाद हमारा स्टॉप है सीधा न्यू अलीपुर द्वार जंक्शन। भाई एक चीज़ है, जब से ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है ना, नो डाउट है रेलवे को बहुत ज़्यादा बचत हो रही है डीजल का खपत में। लेकिन कुछ सालों के बाद मैं बोल रहा हूँ, डीजल लोकोमोटिव अब शेड में पड़ा रहेगा, कुछ सालों के बाद सारे जो रूट्स है वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे। सो एक टाइम था बचपन से मैं अल्को लोकोमोटिव देखते आ रहा हूँ, ये भी देखा, अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखते आ रहा हूँ। लेकिन भाई जो डीजल लोकोमोटिव का जो क्रेज़ था ना, वो दिल में बस गया है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि पूरा ख़त्म हो जाएगी,
रहेगी बट बहुत कम यूज़ होगा उसको, क्योंकि रेलवे का प्लान है पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का, पूरा जो भी जितने भी जोन्स हैं उन सब में। तो गाइस देख लीजिए, ये है हमारा दिन का लंच, अब ये आ चुका है। वैसे मैंने लिया है वेज थाली, पहले से ही मैंने बोल दिया था कि आज वेज खाने का मन है मुझे। तो देखिए खोल के दिखाता हूँ उसमें है क्या, और हमारे जो को पैसेंजर है हमारे सर, उनके लिए नॉन वेज थाली आने वाली है। तो सर अपना नॉन वेज थाली का रिव्यू देंगे, हम अपना वेज थाली का रिव्यू देंगे। सो गाइस ये देख लीजिए हमारा खाना कुछ ऐसा है। वैसे थर्ड एसी में पैकिंग कुछ डिफरेंट ही होती है, फर्स्ट एसी का पैकिंग बाप रे बाप अलग ही है भाई। और मैंने इसको देखा जब इसको अनबॉक्स करा था ना भाई, ये पनीर की सब्ज़ी है आई गेस, वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, हाथ जल रहा था मेरा। ये पनीर की सब्ज़ी हो गई, ये जीरा राइस हो गया, ये मिक्स वेजिटेबल हो गया, सूखी सब्ज़ी आलू और बीन की सूखी सब्ज़ी होगी, ये दाल हो गया, दाल वैसे थोड़ा सा पतला लग रहा है, और ये पराठे हैं। सर जी आपका कैसा है? सर मेरा तो ये चिकन ग्रेवी है, आलू बीन्स दही जीरा राइस। अच्छा दाल थोड़ी पतली लग रही है मेरे को। दाल तो मुझे भी पतली लग रही है, बाकी ये पराठा है, दो पराठा ट्राई करते हैं कैसी है। चिकन ठीक है, चिकन ठीक है ना, अच्छा है, अच्छा नॉट बैड। 10 में कितना देंगे आप? 10 में इसको 8 दे सकते हो, हमेशा ज्यादा नहीं। ठीक है। और ये सूखी सब्जी देखिए, दाल एक बार देख लीजिए, दाल तो देखने लायक नहीं है, ट्राई करता हूं मैं एक बार। पतली लग रही है, काफी पतली है, मतलब बॉलिंग दाल, ऐसा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट की दाल है ये। नॉर्थ ईस्ट के ट्रेन है तो वही की दाल है, अब क्या बोले। ठीक है, पानी थोड़ा सा ज्यादा है, पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया हम लोगों ने। सो गाइस हम लोग अभी सबसे पहले अपना दाल ट्राई करते हैं, पानी इसमें ज्यादा डाल दिया इन लोगों ने, बट ठीक है भाई, मसूर की दाल है सर, खा के पता चलता होगा। तो हमारे सर ने हमारे लिए स्प्राइट का व्यवस्था करके रखा था, स्प्राइट बढ़िया है भाई खाने का, सर में मज़ा आता है, मज़ा आता है। ये आइडिया सर का था, सर अब हमें सब खाते हैं ना, मैं खाने के साथ आता था मैं। खाओगे ना सर आप? हाँ, ये क्या है आपका? लिट्टी बाटी बोलते हैं। अच्छा लिट्टी बाटी ना, तो ये लिट्टी है, सर लाए हैं अपने घर से, इसको ट्राई करते हैं। अब मिक्स वेजिटेबल ट्राई करते हैं दोस्तों, पराठे का सर ट्राई करते हैं। चावल खत्म हो गया, भैया को बोला मैंने लेके आने के लिए चावल, देखिए आप आ ही रहे हो। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, पहले तो मैंने चावल मांगा था भैया से, भैया ला के दे दिए। सो गाइस खाना पीना हमारा हो चुका है, वहाँ हमने रख दिया, फिर हमें आइसक्रीम मिला। खाना खा के पेट इतना भर गया ना कि और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, ये एक दो चम्मच खाऊंगा उसके बाद रख दूंगा। सो गाइस समय देख लो 1:44 हो रहा है, हो चुका है, खाना खाने के बाद लग रही है बहुत जोर की नींद, तो चलिए सोते हैं, जहाँ आँख खुलती है वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हमारी ट्रेन अभी पहुँचने वाली है न्यू कूच बिहार, इसके बाद होगा न्यू अलीपुर द्वार, फिर कोकराझार, फिर बोगाई गाँव एंड फिर गुवाहाटी इसका स्टॉप है, इसके बाद गुवाहाटी के बाद ट्रेन आगे चले जाएगी डिब्रूगढ़ की तरफ। तो इतने सारे स्टॉप्स हैं, वैसे आपने मेरा बाकी वीडियोज़ में ये सब देखा होगा, तो मैं इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगा।
है अपने ट्रेन को स्पीड देख लो, 107 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है। देख लीजिए ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है अभी न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी हावड़ा सरायघाट एक्सप्रेस हमारे सामने खड़ी हुई है सामने वाले प्लेटफॉर्म पे। निर्धारित समय से लगभग 40 मिनट की देरी से ट्रेन हमारे अभी आके पहुंच चुकी है न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन। वैसे इस ट्रेन को 40 मिनट पहले यहां पे पहुंच जाना चाहिए था बट ट्रेन अभी आई है। जब बनारस से हमारी ट्रेन आ रही थी तब 2 घंटा लेट थी, अभी यहां पे पहुंचते 40 मिनट लेट है। बस ये देख लो हमारा जो पेंट्री कार्ड है उससे सामान नीचे उतारा जा रहा है और कुछ चढ़ाया जाएगा ना इस पर, यहाँ से कुछ चढ़ेगा। हाँ अच्छा खाना वहाँ पे चल रहा है, खाना भैया बोल रहे हैं कि खाना वहाँ पे चल रहा है। और सर हमारे लिए एक समोसा लेके आए हैं, कितना में मिला यहाँ पे? 10 का 1 दिया समोसा। 10 का 1 चलिए बढ़िया है। हमारे यहाँ चटनी वटनी देते हैं। हाँ, सॉस वगैरह सब डालते हैं यहाँ पे, तो बिना चटनी का दे दिया। सो गाइस शाम के 4:45 हो रहे हैं, ट्रेन हमारी निकल चुकी है अभी न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन से। सो गाइस एक प्रेजेंट सरप्राइज आपको दे दूँ, ट्रेन हमारी अभी मूव कर रही है ग्वालपाड़ा की तरफ। हमारा जो एक्चुअल रूट है वो था ढंगिया होके, जैसे कि रूट हमारा ट्रेन का डाइवर्टेड है। सो हमारी ट्रेन अभी होकर निकल रही है ग्वालपाड़ा, और ग्वालपाड़ा वाला जो रूट है ना वो काफ़ी शानदार है। सो गाइस ये है फर्स्ट एसी का मज़ा, मतलब यहाँ पे आप खड़े रह के ये नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये देख लो हमारा शाम का इवनिंग स्नैक्स आ चुका है, आपका आलमंड्स सैंडविच, यहाँ पे आई एम श्योर कि ये कचौड़ी होगा, ड्राई फ्रूट पिस्ता, तो गाइस वैसे मैं सोचा था कि इवनिंग स्नैक्स का बाद कुछ नहीं मिलेगा लेकिन हमें हमारा सूप सर्व कर दिया जा चुका है। जितना बार भी सूप पिया ट्रेन में, चाहे दूसरा ट्रेन में भी मैंने पिया हो, नॉर वाला सूप बढ़िया है, मज़ा आ जाता है पी के। सो गाइस सभी समय देख लीजिए कुछ 7:46 हो रहा है। गुवाहाटी का मेन स्टेशन में तो एंटर नहीं हुई हमारी ट्रेन लेकिन गुवाहाटी सिटी में ज़रूर एंटर हो चुकी है, हमारी ट्रेन भी पहुंच चुकी है आजरा। सो गाइस देख लीजिए ये है आपका आजरा स्टेशन जो कि गुवाहाटी में पड़ता है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है जिसकी वजह से राजधानी को रोक दिया गया। भाई सो गाइस ये देख लो बैंगलोर SMVT बैंगलोर की तरफ जाने वाली अगरतला SMVT हमारे सामने से गुजर गई है अभी। वैसे इसका क्रॉसिंग तो मिलना ही वाला था हमें बट ये आजरा में हो गया, ये सोचा नहीं था हम लोगों ने, ये तो टाइम से चल रहे हैं बट हमारी ट्रेन अभी फिलहाल लेट है। सो दोस्तों ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है हमारा डेस्टिनेशन अपना घर गुवाहाटी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे इसको लगाया गया है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जर्नी करके, दोबारा मुलाकात होगी। 2 घंटा 8 मिनट के देरी से ट्रेन हमारी अभी जाके पहुंची है हमारा घर गुवाहाटी। रास्ता में इतना लेट हो गया क्या बताया आपको, एक तो रूट डाइवर्टेड थी इसकी, रूट डाइवर्टेड नहीं होती तो शायद टाइम पे पहुंच जाती, बहुत जगह इसको अनशेड्यूल्ड बर्ड्स पे भी रोका गया
फॉर सम रीज़न, अब पता नहीं क्या था। एनीवेज पहुंच गया गुवाहाटी 8:33 में हमारी ट्रेन यहाँ पे हमें छोड़ी है। यार जो फर्स्ट एसी की सर्विसेज है वो ठीक थी, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं लगा मुझे, बढ़िया था, खाना वगैरह सब बढ़िया था, प्राइवेसी मिल जाती है आपको, शावर का फैसिलिटी मिल जाती है आपको, भाई ठीक है, बट जैसा एक्सपेक्टेशन मुझे थी वैसा नहीं मिला मुझे। इसमें भाई ना रेलवे की कोई गलती है ना उनके स्टाफ की, बट मुझे उतना वो चीज़ फील नहीं हुआ, वो किक फैक्टर फील नहीं हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बाकी ये व्लॉग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया, अब देखते हैं भगवान हमें कहाँ भेजते हैं। तो ये व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण टू एवरीवन। दिस इज उदेश द साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय होम गुवाहाटी। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।